तो वेलकम बैक गाइस। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने एंड्रॉइड फोन में आईफोन के स्नैपचैट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसमें कि आप आईफोन के इमोजीज के साथ स्नैपशॉट स्टोरी शेयर करके अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स भी कर सकते हैं? अगर हाँ तो मैं आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एक आसान सा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन में आईफोन के स्नैपचैट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अभी से लाइक कर दो इस वीडियो को, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये मेरे फोन में अभी नॉर्मल स्नैपचैट है, जो कि आप लोग भी यूज करते होंगे। यहाँ पर मैं एक चैट ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि मेरे स्नैपचैट में अभी करेंटली कौन सा इमोजीज है। यहाँ ऊपर मैसेजेज में आप देख सकते हैं कि मेरे स्नैपचैट में अभी नॉर्मल एंड्रॉयड के इमोजीज हैं। तो चलिए इस नॉर्मल से स्नैपचैट को आईफोन के स्नैपचैट में बदलते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने नॉर्मल वाले स्नैपचैट को अनइंस्टॉल कर देना है। अब मेरा नॉर्मल वाला स्नैपचैट अनइंस्टॉल हो चुका है। अब दोस्तों, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये iOS स्नैपचैट वाला zip फाइल मिल जाएगा, आपको इसे सिंपली से डाउनलोड कर लेना है। तो जब तक ये फाइल डाउनलोड हो रहा है, तब तक आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। डाउनलोड हो जाने बाद आपको ऊपर इस 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और फिर इस फाइल को सेव टू डाउनलोड्स कर लेना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में आ जाना है और फिर वहाँ सर्च बार पे टैप करना है। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है टेलीग्राम, एंड फिर टेलीग्राम वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है। अब आपके सामने वो वाला फाइल आ जाएगा जो कि आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड किया था। आपको उस पर सिंपली से क्लिक करना है। अब नीचे की साइड आपको एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, आपको उस पर एक्सट्रैक्ट ऑल पे टैप करना है और फिर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू पैरेंट फोल्डर पे क्लिक करना है। और यहाँ पर ये आपसे एक पासवर्ड पूछेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। आपको 10K एंटर करने बाद ओके पे क्लिक करना है। अब ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो आपको इस ऐप को सिंपली से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है और फिर होम स्क्रीन पे जाके स्नैपचैट को ओपन करना है। नीचे की साइड आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, परमिशन आपको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर नॉर्मली आपको अपने स्नैपचैट का यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है और फिर नीचे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन हो जाने बाद आप अपने स्नैपचैट के होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर राइट कॉर्नर में एक स्टार का आइकन दिखेगा, आपको उस पर सिंपली से टैप करना है। यहाँ पर आपको सारे स्पेशल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि आपको नॉर्मल स्नैपचैट में नहीं मिलेगा। आपको एक एक करके सारे प्राइवेसी ऑप्शंस को ऑन कर लेना है। आपको इस ऐप में चेंज लोकेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लोकेशन रख सकते हैं। इसको इनेबल करने के लिए आपको यहाँ ऊपर से इसे एक्टिवेट कर देना है और फिर नीचे जाके आप अपनी पसंद का कोई भी लोकेशन सेट कर सकते हो। और डार्क थीम को एक्टिवेट करने के लिए आपको नाइट मोड पे टैप करना है और फिर क्लिक करना है ऑलवेज डार्क पे। रिस्टार्ट नो पे टैप करते ही आपके स्नैपचैट में डार्क मोड एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें कस्टम ऐप आइकन का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप स्नैपचैट के ऐप आइकन को चेंज करके अपना कोई भी आइकन रख सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसमें आपको जो भी पसंद है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस वाले आइकन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब आप मेरी होम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे स्नैपचैट का आइकन बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। जो मैंने सेलेक्ट किया था वैसा ही बन चुका है। और आपको अपने स्नैपचैट के सारे चैट्स में आईफोन का इमोजीज भी देखने को मिल जाता है, जो कि अभी आप अपने सामने देख सकते हैं। आपको सेम आईफोन के इमोजीज सारे स्नैपचैट के चैट्स में मिल जाएगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि इन इमोजीज का इस्तेमाल मैं स्नैपचैट के स्नैप्स भेजने में भी कर सकता हूँ, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल और ऑसम लगता है। और आप ऐसे स्नैप्स भेज के अपने दोस्तों के सामने फ्लैक्स भी कर सकते हैं, तो है ना काफ़ी मज़ेदार। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत ही आसानी से अपने किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन में आईफोन के स्नैपचैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप आईफोन के व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैंने उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिए हो तो लाइक का बटन टूट जाना चाहिए, और हाँ सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, बस इतना ही था आज वाले वीडियो के लिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।